नमस्कार, आप देख रहे हैं डीबी लाइव। नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। आरक्षण खत्म करने वाले बयान पर हंगामा मचाने के बाद आरएसएस के प्रचारक मनमोहन वैद्य ने दी सफाई। कहा, मैंने एससी एसटी आरक्षण के विरोध में कुछ नहीं कहा, सिर्फ धर्म आधारित आरक्षण खत्म करने की कही थी बात। यूपी में एसपी की लिस्ट ने कांग्रेस से गठबंधन पर बढ़ाया सस्पेंस। सूत्रों के हवाले से खबर, एसपी 89 सीटें देने को तैयार, लेकिन 100 से ज्यादा सीटों पर अड़ी कांग्रेस। आज अखिलेश और आजाद की बैठक के बाद आ सकता है कोई आखिरी फैसला। बिहार में आज शराबबंदी के समर्थन में बनेगी 1292 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला। 2 करोड़ से ज्यादा लोग लेंगे हिस्सा। कई राजनीतिक पार्टियों के नेता भी होंगे शामिल। तमिलनाडु में उमड़े जन सैलाब के बाद हरकत में आई केंद्र सरकार। जलीकट्टू पर अध्यादेश को कानून मंत्रालय की मंजूरी, अब राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार। मुंबई के अंधेरी इलाके में होटल में लगी भीषण आग, 7 लोग जख्मी, 40 को सुरक्षित निकाला गया बाहर। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। काठगोदाम से जैसलमेर जा रही रानीखेत एक्सप्रेस के 10 डब्बे पटरी से उतरे। किसी के हताहत होने की खबर नहीं, लेकिन यातायात मार्ग हुआ बाधित। और डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति के तौर पर ली शपथ। अमेरिका फर्स्ट का दिया नारा, इस्लामिक आतंकवाद खत्म करने की भी कही बात। ट्रंप विरोधियों का हिंसक प्रदर्शन। तो ये थी इस वक्त की बड़ी खबरें। देखते रहिए डीपी लाइव, क्योंकि यहाँ है खबरें लगातार।